पिछले चार दिनों से जम्मू कश्मीर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। गोलियों की थरथराहट, खून से सनी जमीन और आतंक का खौफ। पहले रियासी, फिर कठुआ, अब डोडा में आतंकी हमला, यानी कि आतंक का सीरियल अटैक जारी है, जिसने दहशत की नई लकीर खींच दी। 9 जून को रियासी, 11 जून को कठुआ का हीरानगर इलाका और इसी रात को जम्मू रीजन वाले डोडा का चेक पोस्ट। सीमा पार से हुई खूनी साजिश से दहल उठे। जम्मू कश्मीर में हुई आतंक की ये तीन घटनाएं महज 60 घंटे के भीतर हुई, जिस पर जम्मू से जयपुर तक देश का हर आम खास गुस्से से उबल रहा है। आतंक के सीरियल अटैक में 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जबकि एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया, तो वहीं 5 जवान समेत कुल 48 लोग घायल हुए। आतंक के सीरियल अटैक ने घाटी को लहूलुहान कर दिया है। नतीजा, अब सुरक्षाकर्मी एक्शन में हैं। जम्मू की चोटियों से लेकर घाटियों तक को खंगाला जा रहा है। जंगल से लेकर नदी नालों तक तलाशे जा रहे हैं आतंक के निशान। भारत के वीर सपूतों ने अब नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये नया इंफिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि जिस इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना। जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और भारतीय सेना के जवान आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं, जिससे सीमा पार पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की धड़कन बढ़ गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।